हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग इनवर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन यफ फ्राम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपान थ्री। यह फंक्शन हम लोग को गिवेन है और इसका इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए, आपने ध्यान दिया होगा तो हमने इनवर्स की दो डेफिनेशन बताई थी। इनवर्स को हम लोग दो तरीके से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो इनवर्स है दो मेथड से फाइंड करेंगे। एक हम लोग बाइजेक्टिव शो करते हुए फाइंड करेंगे और दूसरा कंपोजिशन के थ्रू इनवर्स निकालेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यह जो फंक्शन है वह लिख लिया एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपान थ्री। तो पहले देखिए, हम लोग इसको यह शो करेंगे कि यह जो फंक्शन है वह बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले वन वन देखना पड़ेगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, टू एक्स वन प्लस वन अपान थ्री। कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ पर x1 रखा और यह क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस 1 अपान 3। अब इसको देखिए, सिंप्लीफाई करिए, 3 से 3 कैंसिल, देन 1 से 1 कैंसिल, फिर 2 से 2 भी कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो यह इंप्लाई कर रहा है कि f इज 1 1। ठीक है, तो f 1 1 फंक्शन है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह फंक्शन आंटो है। तो देखते हैं, तो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपान थ्री। तो अब यहाँ पे आप y लिख दीजिए, कितना, टू एक्स प्लस वन अपान थ्री। एक्स की वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, थ्री वाई माइनस वन अपान टू। ठीक है, तो अब हम लोग को यह देखना है कि को डोमेन में जितने y हैं क्या उनके लिए डोमेन में x प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए, को डोमेन में क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x रियल नंबर आएगा। तो क्या देख पा रहे हैं, फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ r को डोमेन हैज प्री इमेज इमेज x इन r डोमेन। तो इसका मतलब हो गया कि f इज आंटो, मतलब f कैसा फंक्शन हो गया, आंटो। तो फाइनली आप कह पाएंगे कि दिस इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यफ बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यफ फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट यफ इनवर्स फ्रॉम आर टू आर एग्जिस्ट। देखिए कैसे, यहाँ पर यह फंक्शन अगर आर टू आर है ना, तो इसका इनवर्स क्या होगा, आर टू आर। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, जो यहाँ पे आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाले हैं उसी x को आप लिख दीजिए f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू कितना, 3y माइनस 1 अपान 2। आप इनवर्स की डेफिनेशन देखे थे ना, तो वहाँ पर देखे थे कि जो फंक्शन है अगर वह x को y बना रहा है तो इनवर्स फंक्शन y को x बनाएगा। तो देखिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप फंक्शन को बाइजेक्टिव शो करिए, उसके बाद आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, फिर इसको जो x लिखा गया है उसको रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स y से। इस तरीके से आप गिवेन फंक्शन का इनवर्स पा जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग चेक करते हैं कि क्या वाकई यह इनवर्स है। तो देखते हैं, आप यहाँ पे 1 रखिए, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 3 बाई 3 1 आ रहा है ना, 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आप 1 रख के देखिए, देखिए 2 बाई 2 1 आ रहा है। यहाँ 2 रखिए, देखिए कितना आ रहा है, 5 बाई 3 आएगा। और यहाँ पे आप अगर 5 बाई 3 रखेंगे तो 2 आएगा, मतलब यह जो फंक्शन है इस फंक्शन का इनवर्स है। तो यह पहला मेथड है जहाँ पे हम लोग फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाते हुए इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। दूसरा जो मेथड है उससे भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आप देखिए क्या प्रोसेस होगा, पहले जो फंक्शन दिया है एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपान थ्री।
तो पहले आप यह क्या करिए कि एक फंक्शन डिफाइन करिए, उसके लिए एफ एक्स की जगह वाई लिख दीजिए। पहले देखिए 2x + 1/3, एक रिवर्स रूल निकालिए, तो x बराबर आप लिख दीजिए 3y - 1/2। अब ये जो x है आप उसको gy लिख दीजिए, इसको gy लिख दीजिए, gy = 3y - 1/2, और वेयर g फ्रॉम r टू r। तो पहले आप क्या करिए कि जो फंक्शन है उसमें एफ एक्स की जगह y लिखिए, x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए और x को gy लिख दीजिए, और यह r टू r है तो इसका रिवर्स लिख दीजिए। कौन r टू r है? फंक्शन, तो इसका रिवर्स r टू r। अब आप कंपोजिट करिए, अगर इन दोनों को कंपोजिट करने के बाद क्या होता है, यह देखिए, तो g ऑफ एफ एक्स, तो देखिए g वेट करेगा, पहले एफ एक्स लिखेंगे यही ना, और अब यहाँ पे g हो गया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x + 1/3, अब g में रख दीजिए यही ना, तो y के यहाँ रखिए कितना 2x + 1/3, और देखिए इंटू में 3 था ना, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं -1/2। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो आ गया कितना x। तो g ऑफ एफ एक्स बराबर x आया। सिमिलरली आप निकालेंगे, सिमिलरली एफ ऑफ जी वाई निकालेंगे और वह आ जाएगा y। तो अगर g ऑफ एफ एक्स बराबर x आ गया और g ऑफ y, एफ ऑफ जी वाई बराबर y आ गया, और यह फंक्शन g जो है एग्जिस्ट कर रहा था, तो यह इम्प्लाइज कर रहा है कि g इज इनवर्स ऑफ f। तो इसका मतलब आप कह पाएंगे कि g जो है f का इनवर्स है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए g को आप रिप्लेस करके f इनवर्स लिख दीजिए, तो f इनवर्स फ्रॉम r टू r, और जहाँ पे आप g लिखे हैं ठीक है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स से। कैसे? f इनवर्स y इज इक्वल टू 3y - 1/2। तो इसमें देखिए पहले क्या करते हैं, एफ एक्स को है आप उसको y लिखिए, x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, और एक फंक्शन g डिफाइन करिए, x को आप पहले लिख दीजिए क्या जी वाई। अब g ऑफ एफ एक्स बराबर अगर x आ जाता है और f ऑफ जी वाई बराबर y आ जाता है, तो यह जो g है वह f का इनवर्स हो जाएगा, और उसको आप g को f इनवर्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो यह इस फंक्शन का आप इनवर्स यहाँ पर पा गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किसी फंक्शन का इनवर्स अगर निकालना है तो आपके पास दो मेथड है, या तो बाइजेक्टिव दिखाते हुए इनवर्स निकाल लीजिए, या कंपोजिशन के थ्रू आप इनवर्स निकाल लीजिए। प्रोसेस अलग है लेकिन दोनों का कंक्लूजन सेम है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट यफ फ्राम -1 से 1 to r गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस टू इज 1 1। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को 1 1 दिखाते हैं, फिर आगे के टर्म्स पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन पहले लिख लेते हैं, कहाँ से डिफाइंड है, -1 से 1 to r, और डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस टू। तो पहले 1 1 दिखाएंगे, तो लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, ठीक। तो एफ एक्स 1 कितना हो जाएगा, एक्स 1 अपान एक्स 1 प्लस 2, और यहाँ पे एफ एक्स 2 हो जाएगा एक्स 2 अपान एक्स 2 प्लस 2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2 एक्स 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स 1 एक्स 2 प्लस 2 एक्स 2, तो एक्स 1 एक्स 2 कैंसिल हो गया ना, तो आ गया एक्स 1 बराबर एक्स 2। तो क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 था, तो एक्स 1 बराबर एक्स 2 आ गया, इसका मतलब हो गया कि एफ इज 1 1। अब यहाँ पर देखिए पहला पार्ट हम लोग कर लिए कि जो गिवन फंक्शन था उसको 1 1 हम लोगों ने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस। अब देखिए इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो देखिए रूल का डिफरेंस नहीं है, रूल तो वही है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, लेकिन जो पहला फंक्शन था उसका कोडोमेन आर था, लेकिन इस फंक्शन का कोडोमेन बदल करके रेंज ऑफ एफ कर दिया गया। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा नंबर्स थे जो यहाँ पर हो सकते थे वह सब हटा दिया गया, मतलब केवल रेंज ऑफ एफ वाले जो एलिमेंट हैं वही यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब इनवर्स हम लोग को इस फंक्शन का नहीं निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का निकालना है जिसमें एक चेंज है,
फंक्शन तो रूल तो वही है, लेकिन जो कोडोमेन है उसको मॉडिफाई कर दिया गया। इसका मतलब आपको इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि यह वन वन और आंटो है। तो चूंकि आपका जो फंक्शन था वन वन आप दिखाए हैं और कोडोमेन से कुछ मेंबर हटाएंगे और फंक्शन उसके बावजूद भी यह बना रहेगा, तो वन वन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है यह फ्रॉम माइनस वन से वन टू रेंज ऑफ यफ इच आल्सो वन वन। तो यह जो फंक्शन है जिसका इन्वर्स निकालना है वह भी क्या होगा, वन वन होगा, क्योंकि चेंज जो किया गया है वह कोडोमेन में किया गया है। ठीक, अब हम लोगों को इस फंक्शन को वन टू दिखाना है। तो देखिए यह जो फंक्शन है यह फ्रॉम माइनस वन टू वन क्या टू रेंज ऑफ यफ इस आंटो। यह क्यों आंटो हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कोडोमेन बराबर रेंज है। मतलब क्या हुआ कि यह, अब ध्यान देंगे अगर आप इसको शो करेंगे ना तो यह फंक्शन आंटो नहीं आएगा। ठीक, लेकिन यह फंक्शन जो मॉडिफाई कर दिया गया, मतलब जो एक्स्ट्रा थे वो हटा दिए गए, तो यह फंक्शन कोडोमेन की जगह रेंज लिखा गया। इसका मतलब यह फंक्शन आंटो है। इसका मतलब है यह फ्रॉम माइनस वन से वन टू रेंज ऑफ यफ इज बाइजेक्टिव। तो यह बाइजेक्टिव है, इसका मतलब है इनवर्स ऑफ यफ फ्रॉम माइनस वन से वन टू रेंज ऑफ यफ इज एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग निकालेंगे इनवर्स। तो देखिए प्रोसेस वही है कि आप एफ एक्स बराबर पहले लिख लीजिए यक्स अपान यक्स प्लस टू, अब एफ एक्स को वाई लिख दीजिए यक्स अपान यक्स प्लस टू, अब यक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालिए तो यक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू यक्स, यहाँ मल्टीप्लाई किया है ना, यक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू यक्स। अब यक्स एक तरफ लिख लीजिए यक्स वाई माइनस यक्स बराबर माइनस टू वाई। ठीक है, यक्स कॉमन कर लीजिए वाई माइनस वन बराबर माइनस टू वाई, यक्स इज इक्वल टू टू वाई अपान वन माइनस वाई। तो हम लोगों ने यक्स की वैल्यू है वाई के टर्म में निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स को रिप्लेस कर देंगे यफ इनवर्स वाई से। तो यहाँ पे हो गया यफ इनवर्स वाई बराबर टू वाई अपान वन माइनस वाई, वेयर, अब ये जो इनवर्स फंक्शन होगा कहाँ से डिफाइंड होगा, तो दिस टू दिस, मतलब क्या, रेंज ऑफ यफ टू माइनस वन से वन। तो यह देखिए जो गिवन फंक्शन था यह वन वन था, अगर आप इसको चेक करते तो यह वन टू नहीं आता, लेकिन इनवर्स हम लोगों को निकालना था किसका, इसका नहीं बल्कि इसके कोडोमेन को चेंज कर दिया गया, आर से हटा करके रेंज ऑफ यफ ही रखा गया। तो इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर ऐसा है जहां पर कोडोमेन की जगह रेंज ही है, इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, इसका मतलब है कि इस टाइप का हर फंक्शन आंटो होगा। तो यहाँ पे यह वन वन भी था, आंटो भी था, बाइजेक्टिव था, इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और उसके लिए प्रोसेस क्या क्या था, एफ एक्स को आप वाई लिख दीजिए, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालिए, फिर एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एफ इनवर्स वाई से। तो यह हम लोग देख पाए कि यह जो गिवन क्वेश्चन था उसमें इनवर्स हम लोग बहुत ईजिली निकाल पाए। तो देखिए आज हम लोगों ने सीखा कि किसी फंक्शन का इनवर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।